जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी मैं आपको बता दूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कुछ सीटों पर दोनों पार्टी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। दावेदारी कर रही है अपनी अपनी, दूसरे दलों से आए लोगों की वजह से सीट बंटवारे में दिक्कत। उमर अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान, जो दूसरे दलों से आए लोग हैं उनकी वजह से सीट बंटवारे में दिक्कत आ रही है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बात नहीं बन पा रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। ज्यादातर सीटों पर तो मंजूरी हो गई है, कुछ सीटें हैं जिन पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के हमारे दोस्त जो हैं वो अड़ गए हैं। अलायंस तोड़ने की बात ना हम कर रहे हैं ना कांग्रेस कर रही है, हम चाहते हैं कि मिलके इलेक्शन लड़ा जाए। तो गठबंधन तो हो गया है लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्रीनगर से आशीष कुमार सिंह और दिल्ली से जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं आशीष आपका रुख करती हूँ, आप जरा बताइए कि उमर ने कुछ सीटों का जिक्र किया है कि पेच फंसा हुआ है, आखिर क्या वजह है कि ये पेच फंसा हुआ है और क्या मुश्किल होगी इसे लेकर आगे या मामला सुलझ जाएगा? देखिए, जब शीर्ष नेता, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो खुल करके जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर बात फंसी हुई है, तो निश्चित तौर पर समस्या कुछ तो जटिल है। आप देखिए, तीन दिन पहले हम उम्मीद कर रहे थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आज ही रात तक हम अलायंस का ऐलान कर देंगे, और उसके बाद हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसी हुई है। तो नॉट एवरीथिंग इज ओके, जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वैली में करीब कम से कम 7 सीटें तो कम से कम मिनिमम कांग्रेस चाहती है, 4 से ज्यादा सीटें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देना चाहती। वैसे ही श्रीनगर की कुछ सीटें हैं जिनको लेकर के पेच फंसा हुआ है। एक्चुअली आप देखें, इस इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जो लीडर्स बाहर से अब दूसरी पार्टियां छोड़ करके इन दो पार्टियों में आ रहे हैं उसको लेकर के समस्या बढ़ती जा रही है। उनसे जब मैंने इस पर आगे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सीनियर लीडरशिप तो चाहती है लेकिन इसको रिजॉल्व करने का जिम्मा जो है वो पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं और नेताओं का है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी खबर है, और अब कम से कम खुल करके ये बात सामने आ रही है कि पिछले 3 दिनों से वो ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, जिसका दावा खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 3 दिन पहले किया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं आशीष। आप रहिएगा, जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, आप ये बताइए कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में टिकट फाइनल होने वाले हैं, लेकिन कुछ सीटों पर जो ये दिक्कत की बात आ रही है जिसका जिक्र खुद उमर ने हमारे इंटरव्यू में भी किया है, ऐसे में अब सवाल यहां पर ये है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण सवाल है, और बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद को दी गई है। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और अच्छे रिश्ते हैं उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से। हालांकि पहले ही हमने देखा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गए थे अब्दुल्ला परिवार से मिलने के लिए, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए। तो नेतृत्व के स्तर पर जो है वो नज़दीकियाँ हैं, और सीटों को लेकर जो बातचीत जहां पर फंस रही है, अटक रही है, उसे सुलझाने के की जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद को दी गई है। संभव है कि अगर पेच ना सुलझे आज रात तक तो कल सलमान खुर्शीद जो है वो श्रीनगर पहुंचे। दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उन्हें एक बार एक संदेश साफ है, एक मैसेज उनके बीच साफ है कि गठबंधन हो चुका है और चुनाव जो है वो समझौते में ही लड़ा जाएगा। और दो सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं फंसी हुई है, सीटों को लेकर के बात फंसी हुई है। ये लगभग तय है कि कांग्रेस लगभग 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें से ही आपस में कुछ सीटें सहयोगियों के लिए भी छोड़ी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दावा है, जिस पर कांग्रेस का भी दावा है, और उसी की तरफ उमर इशारा कर रहे हैं, और ऐसी सीटों की संख्या जो है वो तकरीबन आधा दर्जन है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि पुराने सहयोगी रहे, बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि उमर ये भी कह रहे हैं कि दरअसल दिक्कत इसलिए हो रही है जो दूसरे दलों से आए हुए नेता है उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। ABP News आपको रखे आगे।